और भारत में बड़े आतंकवादी हमले की फिराक में आतंकवादी हैं, ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट इसको जारी करते हुए आतंकियों की साजिश का खुलासा किया है। भारत में हमला करने के लिए आतंकवादी पाकिस्तान से घुसपैठ की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप बनाकर आतंकवादी भारत में घुसपैठ करना चाहते हैं और ये पूरा प्लान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बनाया है। भारत में आने वाले फेस्टिव सीजन के दौरान टिफिन बॉक्स को IED बनाकर बम धमाके की साजिश की एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। भारत में हमला करने के लिए आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ की पूरी कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं और उनको बनाकर आतंकवादी भारत में घुसपैठ करना चाहते हैं। ये पूरा प्लान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने तैयार किया है। नीरज गौड़ इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं मेरे साथ। नीरज, आने वाले फेस्टिव सीजन के दौरान टिफिन बॉक्स को आईडी बनाकर बम धमाके की साजिश है, इसको लेकर एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई। बिल्कुल नितिन, आपको बताऊं कि खुफिया एजेंसियों ने ये अलर्ट जारी किया है और ये बताया गया है कि आने वाले जो त्योहार है वहां पर उस दौरान जो है बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, जिसको लेकर के पाकिस्तान का जो कि निकियाल सेक्टर है वहां पर 35 से 40 आतंकी वहां पर पहुंचे हैं। उसके बाद में छोटे छोटे ग्रुप बना करके उनको भारत में घुसपैठ करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ ये भी जानकारी मिली है कि जो कि सलोत्री जगह है वहां पर झेलम रिवर है, उस जगह से जो कि पानी का श्वास नली होती है जो कि आदमी इस्तेमाल करता है सांस लेने के लिए पानी के अंदर, उसके जरिए भारत में घुसपैठ करने की कोशिश है। और उसी के साथ में छोटे छोटे ग्रुप बना करके बॉर्डर एरिया से अंदर आने की कोशिश की जा रही है। और ये भी जानकारी मिली है कि ISI एक बड़ी साजिश को रच रहा है, जिसमें ये भी बताया गया है कि टिफिन बॉक्स को आईडी उसका बनाया जाएगा, जिसके बाद में उसको उसका जो है बिल्कुल धमाका किया जाएगा। और ये भी जानकारी मिली है कि उसके लिए आदमी तैयार किए जा चुके हैं, उसके लिए फाइनेंशियल जो भी हेल्प होती है वो पूरी की जा चुकी है। तो ऐसे इनपुट लगातार मिले हैं। और इसी के साथ में ये बताया गया है कि जितने भी भीड़ वाली जो कि जगह है फेस्टिव सीजन के दौरान जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है वो आतंकियों के निशाने पर रहेंगे। और ये जो इनपुट है जो कि हमारी खुफिया एजेंसी है उन्होंने स्टेट पुलिस के साथ में इसको शेयर किया है। और इसी के साथ में जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको भी इस बारे में बताया गया है कि आने वाले त्यौहार के दौरान बिल्कुल अलर्ट रहें, और जो कि BSF रहती है बॉर्डर एरिया में उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। और इसी के साथ पूरी कोशिश है कि आतंकियों के जो मंसूबे हैं उनको किसी तरीके से नाकाम किया जा सके। नीरज गौड़, बहुत धन्यवाद आपका इस वक्त की इस बड़ी खबर पर तमाम जानकारियां साझा। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।